Hey, excuse me. Yes. Hi. Hi. वो आज आपका एग्जाम है? Yes, मेरा एग्जाम है आज. तो आज वैसे मेरा भी एग्जाम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरा दिन मतलब वीडियोस वगैरह या ऐसी पूरा दिन फोन पे ही लगी रहती हूँ. और अभी एक घंटे पहले ही मुझे पता चला कि आज एग्जाम है मेरा, तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाई. अगर आप मुझे कुछ बता दो तो मतलब. मैंने तो खुद तैयारी नहीं की है, मैंने तो खुद नहीं पढ़ा अभी तक. अच्छा, आपने भी कुछ नहीं पढ़ा? क्यों, आपने क्यों नहीं पढ़ा? तो कॉलेज के बाहर भी बुक लेके खड़े हो? टाइम नहीं रखता मुझे ना, मैं काम करता हूँ इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता. तो फिर अभी कॉलेज के बाहर बुक लेके खड़े होने बस वही ऐसा है कि रिवीजन कर लेता हूं एक बार में. क्या मतलब बना बना के लिख दोगे जो इम्पोर्टेंट है वो? टाइम वगैरह. तो आप मतलब कुछ फर्रे वर्रे तो चलाते ही होंगे? नहीं, अंदर अलाउड नहीं है. मैंने 3 पेपर दिए अभी तक कुछ अलाउड. तो अलाउड तो 12वीं तक भी नहीं होते, लेकिन लोग तो चला लेते हैं. वो तो है, मैंने चलाया है. तो एक काम कर लेते ना, हम दोनों इसको फर्रे बना देते हैं, आप और मैं चला लेंगे. ये भी ठीक आइडिया है, मगर इसको टाइम लग जाएगा. ऐसे बढ़िया आप पढ़ लीजिए. पढ़ने का ही तो मतलब टाइम कितना लगेगा आपको? आधा घंटा लगना है. पढ़ना ही होता तो मैं पहले से ही पढ़ लेती ना. तो मुझे तो एग्जाम भी आज पता चला है मेरा एग्जाम है. तो आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो बताओ. हम एक ट्रिक कर लेते हैं, फर्रे बना लेते हैं और अंदर कुछ क्लासरूम में कुछ रख देंगे, ऐसा कुछ कर लेते. नहीं, ऐसा अलाउ तो नहीं है. चेकिंग हो गई. लड़कों का कुछ नहीं होता, लड़कियों को ज्यादा होता है. आप लोग कर, आप कर लेना. आप जब कर लोगे तो अपनी शीट पास कर देना ना मुझे. चलो ठीक है, कर लोगे? पक्का कर सकता हूँ ऐसा? तो मतलब आप भी पढ़े, पढ़ते नहीं हो, आप भी ऐसे ही हो? ऐसे देख के मुझे ऐसा लगा आप पढ़ रहे हो यार ऐसे. तो गलत इंडिकेशन क्यों दे रहे हो फिर ऐसे किसी को? अच्छा सॉरी, मैंने गलत. सॉरी की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा बहुत पढ़ रहे हो ये वो. तो आपकी हेल्प मिल जाएगी मुझे? नहीं, मुझे भी ऐसा लगा कि आपने पढ़ा होगा. मुझे क्या पता, आपने ही नहीं पढ़ा. अरे आप अचानक से आ गए मेरे पास. तो अचानक से इसलिए आना पड़ा ना कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे डर लग रहा है. इसलिए आपने मुझे देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ? हाँ, पढ़ रही हूँ. मुझे सबसे ज्यादा आप ही पढ़ते हुए दिखे यहाँ पे. किसी के पास बुक नहीं, आपके पास तो बुक भी है. हाँ ऐसा भी है. तो फिर क्या कर सकते हो? कुछ तो कर सकते हो ना मेरे लिए. अब मैं स्पेशल आपके पास आई हूँ तो आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये मतलब बुक वगैरह रख लो या डेस्क के नीचे. नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकती, आप रख लेना. अपनी शीट पास कर देना. चलो ठीक है, मैं आपके लिए ये करना कर सकता हूँ. और अगर फंस गए तो मेरा नाम तो नहीं लोगे? मैं अपने आप को फंसा लूंगा. अपने आप को फंसा लोगे? और क्या क्या कर लोगे? और कुछ भी नहीं. और कुछ नहीं कर सकते? और कुछ नहीं. तो फिर और कुछ भी कर सकते हो तो बताओ, फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा. मुझे और कुछ नहीं करना. तो फिर रहन दो, एग्जाम में एग्जाम देना ही क्यों है? छोड़ो, एग्जाम रहन दो, देना. नहीं, एग्जाम तो देना ही है, एग्जाम देना तो जरूरी है. जब पढ़ाई नहीं तो फिर डिग्री लेके क्या फायदा? बस यही तो फायदा है, डिग्री का तो फायदा. 2 साल में तो मैंने बिना पढ़े भी कर दिया. 2 साल लॉकडाउन में ऐसे ही बिना पढ़े पर्रे पर्रे भी चलाए. ऑनलाइन पेपर हुआ था. अच्छा, ऑनलाइन हुआ था. तो फिर छोड़ो, अभी ये भी ऑनलाइन कुछ रीजन दे देना. चलो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो देना ही पड़ेगा. नहीं, आप एग्जाम ही मत दो अब, क्योंकि मेरे को तो लगा था पढ़ रहे हो. अब आप पढ़ ही नहीं रहे, अब आप एग्जाम ही मत देना, रहन दो. आप अपनी होल टिकट वगैरह दो मुझे, आप अंदर ही नहीं जाओगे, पेपर ही नहीं देना. आप नहीं जाने देना, आप तो नहीं जाने देना. पढ़ ही नहीं रहे हो आप, ये काम कर रहे हो. बताओ, पढ़ना लिखना तो चाहिए ना अगर एग्जाम है तो. आप छोड़िए, मैं पढ़ लेता हूं. नहीं नहीं, अब नहीं छोड़ना. मेरे पास अभी टाइम है, पढ़ लेता हूं. नहीं नहीं, अब आप क्या पढ़ लोगे? आप रहन दो, आप नहीं पढ़ना. अब ऐसी बात बात करके टाइम पास कर लो. आप क्या करना, आप तो अंदर भी चले गए सारे. क्या बात करोगे आप मुझसे? कुछ भी बात कर लो आपको जो सही लगे. आप तो पढ़ के आए ही नहीं, मेरे को लगा आपने दे रखा है. आज कौन सा एग्जाम है वैसे आपका? ऑर्गेनाइजेशन पे है. अच्छा, तो फिर अब क्या सोच रहे हो आप? देना है पेपर, पेपर या नहीं देना? ये पेपर क्यों नहीं देंगे? पेपर तो देना ही है. पेपर देके वैसे कोई फायदा तो है नहीं. हाँ, फेल होना है. फेल होना तो बस फिर ऐसे ही फेल हो जाओ. नहीं, पेपर देके फेल होना, कम से कम लगे तो कि मैंने पेपर दिया है. या तो फिर फर्रे फुर्रे बना लो. तो फिर फर्रे बनाऊ, लेकिन कोई मिल नहीं रहा. आप मिल गए, आप बनाएंगे बैठ के. अच्छा, अभी बना लोगे फर्रे? आप मिल गए ना, बना. अब आसान भी है. तो फिर कैसे बनाओगे फर्रे? मुझे एक बना के तो दिखाओ, कैसे चलाते हो फर्रे? बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपने जो किया लास्ट ईयर, हाँ, उसको खोलो और उसमें से जितना जो भी मिले आपको वो कर लो. अच्छा. वो करने के बाद उसको लिख कर छोटी पर्ची बनाकर अपने पास रख लो. तो फिर एक फर्रा मुझे सॉक्स में चिपका लो, या फिर तो आपको चलाने का मतलब एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है मेरे पास. तो पहले भी आपने यही करके काम किया हुआ है? मैंने तो किया हुआ है. तो फिर अभी क्यों पढ़ रहे हो? अभी से आ जाता है, मैं छठी क्लास से चला रहा हूं. तो ठीक है, अभी भी आप फर्रे ही बना लो. एक काम करो, बना के दिखाओ. सोच रहा हूं, एक छोटा सा फर्रा तो बना के दिखाओ कि कैसे चलाओगे. अगर आगे मैं टीचर हूँ, आप कैसे चलाओगे फर्रे बताओ. ये है, हाँ, ये मैं फाड़ लूंगा, फाड़ कर इसको रख लूंगा और जेब में. और जेब में चल जाएंगे आराम से. वहाँ चेकिंग होते भी नहीं है. चेकिंग कौन करता है? कोई. चेकिंग कौन करता है? कोई नहीं करता. चलो पढ़िए, आपने मुझे फर्रे बनाना सिखा दिया. मैं भी ऐसी मतलब थोड़ा बहुत पास फेल भी हो चुकी हूँ मैं एक बार. आप भी फेल हुए होगे? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने पेपर छोड़ दिया. पेपर ही छोड़ दिया? तो चलो बढ़िया.
तो अब आगे क्या करना है, फर्रे फुर्रे ही चलाने का एक्सपीरियंस देना है या फिर कुछ? आगे फर्रे चलाने का एक्सपीरियंस देना है, और कुछ तो नहीं, मुझे और कुछ आता नहीं। तो फिर आप, मैं तो कह रही पेपर ही देना रहा, तो मुझे ऐसा लगा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तब जाके मैंने आपसे हेल्प लिया, आप पेपर ही क्यों देना, चलो कॉफी वगैरह आप पी दो, कॉफी पी लेते हैं चलो। नहीं, नहीं, यहाँ सामने छोले कुलचे वाला भी है, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा पैसे नहीं, कोई नहीं, कॉफी पी लेते हैं, मैं दे दूंगी पैसे, कोई बात नहीं। नहीं पैसे की, पैसे की जरूरत नहीं, मेरे पास है पैसे, मगर मेरे पास कॉफी पीने के पैसे नहीं। छोले कुलचे खा लेते हैं, उसके भी पैसे नहीं देते। तो फिर आप बताओ, मेरे को सिर्फ आने जाने के लिए किराया है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप बताओ कब पिला सकते हो मुझे कॉफी, आप कभी और मिलो तो चलो फिर चलते हैं कॉफी, छोले कुलचे खा लेते, पेपर देना छोड़ो, कौन पढ़ता है इस उम्र में, घूमने फिरने की आदत है, चलो यार। अरे रहन दो फर्रे, अरे एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, आप फर्रे चला के पेपर दोगे? हाँ। आता आपको फिर भी कुछ नहीं होगा, नहीं। बस डिग्री तो नाम की मिल जाएगी। हाँ, उससे फायदा क्या होगा आगे जाके, तो भी बच्चे यही कहेंगे आपके कि पापा आपने किया क्या है, नॉलेज तो फिर भी नहीं होगी, फर्रे से ही तो पास हुए हो। हाँ वैसा तो है, मगर लेकिन फिर भी तो चलो कोई नहीं, मैं आपकी ठीक है आपकी बात मान लेती हूँ, पेपर के बाद हम कहीं चल देते हैं। नहीं पेपर के बाद, हाँ चलो ठीक है, पेपर पेपर आप मिल जाना शाम को। मिल जाऊँ कितने अभी यहाँ पे, आप कब मिलोगे बताओ? शाम को 6 बजे मिल जाना। 6 बजे ठीक है, यहीं पे मिलना फिर मुझे। हाँ मिल जाना, मैं आपको मिलूंगा, यहीं मिलूंगा। मिलोगे ना पक्का? हाँ पक्का मिलूंगा। ठीक है, कॉफी पिलाने के नाम से भाग तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। चलो ठीक है, इंतजाम कर लोगे, कैसे कर लोगे? शाम तक कर लूंगा, शाम तक कर लूंगा, मैं सर से ले लूंगा। ले लोगे? चलो ठीक है, चलो ठीक है, जान देने तब तक साथ में चलते हैं।